और भी कंपनीज हो चुकी है पैराडॉक्स के, आतंकी नॉकआउट हो चुके हैं, और जाट ने नियो को नॉकआउट कर दिया, फ्लजगॉट को नॉकआउट कर दिया, टीएसएम के लिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और रशियन कर उन्होंने जोनाथन को भी मारा, और टीएसएम यहां पे एग्जिट लेते हुए काफी जल्दी, रेड भी यहां पर मर चुके हैं, एंड मार्कस गेमिंग जस्ट प्लेइंग द बेस्ट एग्रेसिव गेम दे कुड एवर प्ले. एग्जैक्टली, क्योंकि मार्कस गेमिंग के लिए जितने भी उनके फैंस थे काफी वेट कर रहे थे, वो जो गेम प्ले काफी टाइम से मिस आउट कर रहे थे, अभी फाइनली कल से वो देखने को मिल रहा है, वो अग्रेसिव गेम प्ले, वो टैक्टिकल गेम प्ले. श्राइडर इन द मीनवाइल यहाँ पे मेगा के ऑनकोर को नॉक करते हुए उनको फिनिश ऑफ भी कर चुके हैं. श्राइडर ने यहाँ पे पैराडॉक्स को भी फिनिश कर दिया, तो टीम एस जी भी आज आई थिंक वापस फॉर्म में आ चुकी है. ज़ेब्रा ने हाउएवर वहाँ पे टीम आई एन डी के स्लेयर को नॉक कर दिया. आप देख सकते हो उनकी पोजिशन बहुत ही ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं, एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर टीम पावर हाउस उनको एलिमिनेट कर देती है. मीनवाइल एमजेसेट के सूर्या ने वहाँ पे मारा के सोनिम को ग्रेनेड के साथ फिनिश ऑफ कर दिया. सेल्स के एमजे यहां पे प्ले जोन से फिनिश हो चुके हैं. देखते हैं यहां पे रिवाइव मिल रहा है. एमजेसेट के प्लेयर्स यहां पे बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं. 6 किल्स ऑलरेडी इन्होंने अपने को निकाल रखे हैं. एमजेसेट के सूर्या यहां पे मॉलोटॉव बुक करते हुए एमजेसेट के चोट यहां पे स्पॉट आउट करते हुए आई थिंक बीएससी क्रॉलर्स के प्लेयर्स को, एंड अभी डीपी को रिलोड करते हुए आई थिंक चारों तरफ यहां पे गन शॉट्स देखने को मिल रहे हैं, एंड यहां पे बीएससी क्रॉलर्स के ईवो भी स्प्रे करने की कोशिश करते हैं. गॉडल के बाबू सोना ने बीएससी क्रॉलर्स के सीजी को नॉक कर देता. आई थिंक बाबू सोना मुझे लग रहा है जो डीएमआर चला रहे, तो आइदर वो गिल लग रहे हैं मुझे, क्योंकि वही हो सकते हैं जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डीएमआर प्लेयर है. स्नैक्स यहाँ पे जो कि जो टॉक ऑफ द टाउन है अभी, क्योंकि फिलहाल जो रेट पे है, जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं स्नैक्स ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 3 days, दैट हैज बीन कमेंडेबल. करेक्ट, एक्जैक्टली. हम स्नैक्स का 1v3 नहीं भूल सकते, जिस तरीके से उन्होंने पावर हाउस के 3 पर को नॉक किया था और क्रेटोस ने आखिर में डाक को मारा था, वो तो भाई एक मेस्मराइजिंग इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस था जो हम मैं तो नहीं भूलने वाला आसानी से. तो हाई चांसेस है, स्मोकी दिख रहे, काउंटर दिख रहे, यमराज मर चुके हैं, तो आइदर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गिल्ट. बट वहीं पे ट्रांस यहाँ पे एच बी को नॉकआउट कर अपनी M416 से, बॉमर ने डीपी से अवी को नॉकआउट कर दिया है, एंड नाउ पावर हाउस इज रशिंग टूवर्ड्स वीजी कॉलर से, और पीछे से उन्होंने स्पॉट किया एक प्लेयर को प्रोन डाउन और वहां पर अवी को भी नॉकआउट कर दिया. क्रेटोस ने काफी दूर से एक अच्छा फायदा उठाया, ज़ेब्रो को नॉकआउट किया, डाक ने किलकर बम करी अभी की, और वीएसजी क्रॉलर्स के लिए जो कठिनाइयां है वो बढ़ती जा रही है. एक भी प्लेयर है सीजी अभी होल्ड करके बैठे हैं, वो आईजेल है, उन्होंने एक नेट कुक किया है, अगर ये नेट टाइमली फेंक जाए देन काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है. उन्होंने नेट फेंका और यहां पर सीजी ने ज़ेब्रा का गेम खत्म किया, एंड यस उन्होंने सीजी ने एक ही नेट से डाक और एक और शानदार पावर हाउस के प्लेयर बॉम्बर का भी गेम यहां पे खत्म किया. काफी बेहतरीन, ये एक अच्छे आईजेल की पहचान है जो आखिरी मोमेंट तक अपना संयम नहीं खोता और आखिरी तक एक बेटर मूवमेंट के साथ अपनी टीम को एडवांटेज दिलाता है. अभी यहां पे लेफ्ट साइड में बिल्कुल श्राइडर एंड सीजी बैठे, उनके सामने 4 प्लेयर आईएनडी के हैं, घरों के अंदर छुपे हुए गॉडल एंड वेयरहाउस में छुपी है टीम एक्सट्रीम एलिमेंट्रिक्स. सो स्नैक्स ने एक अच्छा नॉक फिर से दे दिया है वहां पर, जो हमारे मार्कस गेमिंग के प्लेयर है उन्होंने आइकॉनिक को मार के पावर हाउस को एलिमिनेट किया. श्राइडर ने यहां पे नेड मारकर एक अच्छा नॉक दे दिया यहां पर. अब स्नैक्स को रिवाइव करना काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर क्रेटोस अभी स्नैक्स को बचाने जाते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. पीछे से श्राइडर है, अगर वो इस टाइम में पुश इन करके देन वो क्रेटोस का गेम खराब कर देंगे. श्राइडर नेड मारा, स्नैक्स को नॉकआउट करा और श्राइडर ने अपनी M416 से गेम खराब कर चुके हैं. सो आईएनडी जो अचानक से 4 पेयर से 2 पेयर पे हो चुकी है, अब स्लेयर और स्नैक्स को ही इस गेम के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा. हमें पता था स्नैक्स अभी नॉकआउट पड़े थे, सो स्नैक्स को क्या वो बचा पाएंगे, ये एक है सवाल, एक जो लोग जाना. यदि ट्रांस और स्नैक्स इन दोनों में से एक पेयर है, वहीं पे सिनर्जी एलिमिनेट होने का नाम नहीं ले रही है, वो ब्लू जोन में बिल्कुल एच टू एच खेल रही है. मार्कस गेमिंग के पास अच्छी पोजीशन है और सर्कल के बीच में भी उनके पास काफी सारे रिजेस है जिससे कि वो गेम में आराम से बच सकते हैं. फाइनली वेयरहाउस में रशन किया, क्रॉन्टन ने नॉक निकाला ऑरेंज का, और उसके बाद ट्रांस यहां पे सीजी को नॉकआउट कर दिया. दिस इज अ मस्ट सिचुएशन फॉर टीम आईएनडी, एल्स अगर वो नहीं करते तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा. आईएनडी ने यहां पर दोनों पेयर को मार गिराया सिनर्जी गेमिंग के, और आईएनडी ने एक अच्छा मैप का हिस्सा अपने फेवर में कर दिया. अब सबसे बड़ी टक्कर होगी उनकी मार्कस गेमिंग की, क्योंकि मार्कस गेमिंग बिल्कुल सेंटर में और रिजेस उनको लिटरली बचा रही है सारी कठिनाइयों से. अगर किसी को भी मार्कस गेमिंग पे चढ़ना है तो उनको रिज पुश करके ही कुछ करना पड़ेगा. एग्जैक्टली, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उनके अभी तक सारे प्लेयर्स अभी भी जिंदा है. सूर्या यहाँ पे उनके जो चार्ज है टीम की वो लीड कर रहे हैं, यहाँ पे आगे खेल रहे हैं. बट हमने देखा यहाँ पे ट्रांस ने बहुत ही बेहतरीन गेम वहाँ पे बचाई, श्राइडर और ऑस्टिनिक्स को फिनिश करा. स्मोकी ने वहाँ पे MGZ के प्यारा बॉय को फिनिश करा है. तो यहाँ पे बहुत सारे नए नए फनी फनी नाम देखने को मिल रहे हैं, ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन कौन है बंदे. बट MGZ के जाट यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश कर रहे टीम आईएनडी के प्लेयर्स के लिए. ट्रांस और स्लेयर दोनों प्लेयर्स बचे यहाँ पे, यहाँ पे जोन के अंदर भी इनको आना पड़ेगा. टीम नंबर 12 के हाथों में लग रहा है ये चिकन डिनर आते हुए, क्योंकि बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं इनको ओपन से आना पड़ेगा. आई डोंट थिंक 4 प्लेयर्स वो चीज अलाउ करेंगे. एंड MGZ के जाट यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए लास्ट शॉट कनेक्ट होता हुआ ट्रांस के तरफ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रांस को शॉट लगा, एंड प्यारा बॉय ने यहाँ पे MGZ के आईएनडी स्लेयर को भी फिनिश कर दिया. तो लास्ट 3 टीम्स यहाँ पे बचती है, MGZ के स्क्वाड, टीम गॉडल की स्क्वाड, और आई थिंक जो हमारी तीसरी टीम रहेगी वो देखना पड़ेगा कौन एग्जैक्टली. आई थिंक BSG क्रॉलर्स
उसके सीजी बचे हैं एंड वो वेट आउट करेंगे टीम आईएनडी और टीम गॉडल और टीम एमजीजेड के फाइट का. जो भी विनर रहेगा शायद उनके साथ फाइट लेंगे. फिलहाल यहाँ पे टीम गॉडल ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्मोक का बिछौना बिखेर रखा है यहाँ पे, उसके द्वारा यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेंगे. बट आई एम प्रीटी श्योर एमजीजेड के प्लेयर्स वहाँ पे स्मोक के अंदर स्प्रे डाउन करने की कोशिश करेंगे. क्रॉन्टन यहाँ पे वेट बनते हुए यहाँ पे आगे जा रहे हैं. यहाँ पे क्रॉन्टन को एमजीजेड के चार्ज ने बहुत बेहतरीन तरीके से नॉक कर दिया बट कवर फायर नहीं आ पाया क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स यहाँ पे स्मोक में फंस गए थे. तो ये जो स्ट्रेटेजी है थोड़ी सी फेल हो जाती हुई टीम गॉडल की. यहाँ पे प्यारा बॉय क्रॉन्टन क्रॉन्टन को एमजीजेड के चार्ज ने यहाँ पे सीजी को स्पॉट कर लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से. सीजी को भी फिनिश कर लिया. एमजीजेड के प्लेयर्स यहाँ पे धीरे धीरे अपने चिकन डिनर की तरफ बढ़ते हुए बट यहाँ पे गॉल के बाबू शोना ने एमजीजेड के चोट को नॉक कर दिया. जार्ड कमिंग विद दैट ग्रेट फायर ऑन बाबू शोना. स्मोक यहाँ पे एमजीजेड के जार्ड को नॉक करते हुए. सूर्या कमिंग विद दैट फाइनल किल एंड बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेटेड चिकन डिनर एंड व्हाट अ गेम प्ले क्रैट With 10, exactly. 12 and 14 kills. 14 kills यहाँ पे मार्कस जेमी ने निकाली. और याद है सबने, अगर सब याद करें तो सिक्सेस ने क्या बोला था गेम वन शुरुआत में कि भाई यहाँ पर मैप सबको खेलना आता है, जिसके पास अच्छी पोजीशन होगी और उसके पास अच्छी एडवांटेज होगी. और अभी आखिरी सर्कल के